जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कल हम लोगों ने डिमांड से रेलेवेंट चीज़ें सारी कंप्लीट कर ली थी। तो एक्चुअली ये हमारी बुक जो है वो अभी समी साहब उसको करवा रहे हैं पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट। तो वहाँ से अगर बुक आ जाती है तो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करता हूँ और फिर वहाँ से समझा भी दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ें हैं सारी। तो हमारे पास जो बुक है ना उसमें ये तीसरा और चौथा चैप्टर है। तो पहले मैंने तीसरा चैप्टर हाफ पढ़ाया था, उसमें से डिमांड का पोर्शन किया था हमने, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को अपना चौथा चैप्टर शुरू किया, उसमें से भी मैंने हाफ पढ़ाया जो डिमांड से रेलेवेंट था। तो अब फिर तीसरे चैप्टर पे जा रहे हैं जिसमें सप्लाई का हिस्सा हमने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो वो सप्लाई का वो हिस्सा पढ़ के फिर हम चौथे चैप्टर पे दोबारा आ जाएंगे, उसमें से सप्लाई का हिस्सा पढ़ेंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो वो फिर मुकम्मल होगा, यानी अब ये जब ये सप्लाई मुकम्मल करेंगे तो आधा हिस्सा आधा चैप्टर थर्ड चैप्टर में है किताब में, और फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हिस्सा जो है ना वो चौथे चैप्टर में है। तो दोनों मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद ये हमारा दो चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के। तो वो मैं ज़रा किताब आ जाए तो मैं वहाँ से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता भी देता हूँ कि कैसे किया हम लोगों ने। तो आज हम लोगों ने दूसरा चैप्टर शुरू करना है, एक्चुअली वो है सप्लाई के हवाले से डिस्कशन करनी है हम लोगों ने। तो इसमें ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सप्लाई और डिमांड जो है ये दो बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो डिमांड तो हमने पढ़ लिया, अब हम सप्लाई की तरफ चलते हैं। तो सप्लाई का ताल्लुक जो है वो सेलर से होता है, और जो पिछला चैप्टर हमने मुकम्मल किया था डिमांड का, उसका ताल्लुक जो है वो बायर से, यानी कंज्यूमर से। तो हम इकोनॉमिक्स में बायर और कंज्यूमर में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तो अब पहले तो आप बायर थे डिमांड के चैप्टर में, और आपका रवैया जो था वो भी एक खरीदने वाले का रवैया था। अब अगर इस चैप्टर को हमने पढ़ना है, सप्लाई के चैप्टर को पढ़ना है, तो आपने अब अपने आप को सेलर कंसिडर करना है। जब तक सेलर अपने आप को कंसिडर नहीं करेंगे आप सप्लाई को नहीं समझ सकते। अपने आप को दुकानदार बनाइए, अपने आप को शॉपकीपर बनाइए, अपने आप को एक फर्म बनाइए, प्रोड्यूसर बनाइए, तो फिर आपके अंदर वो जो आएगी ना सोच, वो सोच आपको सप्लाई समझाएगी। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बायर ही होते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ पर ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पेश आई, क्योंकि आप ख़रीदने के लिए ही बाज़ार में जाते हैं, तो वो रवैया ऑटोमेटिकली आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन जो सेलर का रवैया है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक काउंटर के एक तरफ बंदा खड़ा है और दूसरी तरफ एक काउंटर के बंदा खड़ा है। जो एक तरफ खड़ा है वो बायर है, और जो दूसरी तरफ खड़ा है काउंटर के वो सेलर है। दोनों के रवैयों में बड़ा फ़र्क है। बायर ये कहता है कि जो मैं कम से कम कीमत दे के चीज़ ख़रीद लूँ, और जो सेलर है वो ये चाहता है कि मैं ग्राहक से जितनी ज़्यादा कीमत ले सकता हूँ ले लूँ, ताकि मुझे बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसलिए दोनों के जो बिहेवियर्स हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो सप्लाई जो है वो समझते हैं हम लोग, तो सप्लाई किसे कहते हैं? सप्लाई कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज ऑफर्ड, विच इज ऑफर्ड फॉर सेल
विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई. समझ गया? इज कॉल्ड सप्लाई. इज कॉल्ड सप्लाई. इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई क्या है? सप्लाई क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी है, और वो ऑफर की जाएगी. विच इज ऑफर्ड किसके लिए? फॉर सेल. और कहाँ की जाएगी ऑफर? मार्केट में. और अल्लाह के वास्ते ऑफर नहीं की जाएगी, मुफ्त ऑफर नहीं की जाएगी, एक ख़ास कीमत पर ऑफर की जाएगी. तो जो क्वांटिटी आप एक कमोडिटी की मार्केट में ऑफर करते हैं सेल करने के लिए किसी कीमत पर, तो वो सप्लाई है. जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे हाथ में एक 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 पेन है, वो मैं 10 रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ. आई एम विलिंग टू सेल. तो ये एक जो क्वांटिटी मैंने कितनी बताई, एक पेन, और कमोडिटी क्या मैंने बताई, पेन, और ऑफर की है मैंने सेल के लिए, और किस कीमत पे की है, 10 रुपए में. तो ये बन जाएगा सप्लाई. अगर मैं ये कहूँ कि मैं पेन बेचना चाहता हूँ, तो ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने प्राइस का जिक्र नहीं किया है. समझ गया ना? तो सप्लाई के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं विलिंग, सप्लाई के लिए कंडीशंस क्या हैं? सप्लाई के लिए कंडीशंस हैं कि विलिंग टू सप्लाई हो आप, विलिंग टू सप्लाई हो, यानी आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो. ठीक है जी. और वो कब बेचना चाहते होंगे आप? जब आपको उसकी अच्छी कीमत या सही हाई कीमत, हाई प्राइस मिल रही हो. और दूसरी बात ये कि आप के पास वो मौजूद भी हो, यानी एबल टू सप्लाई भी हो आप. एबल टू सप्लाई का मतलब ये है कि आप अपने आप को सेलर समझें और आपके पास रिसोर्सेज हो सप्लाई के, यानी आपने अगर कोई प्रोडक्ट सप्लाई करनी है तो वो मौजूद भी हो आपके पास, ताकि आप जो हैं उसको बेच सकें आराम से. ठीक है ना जी. दिस डज नॉट मीन दैट देयर आर सफिशिएंट कस्टमर्स विलिंग टू बाय द होल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस. इट जस्ट मीन द फर्म हैज़ द रिसोर्सेज टू सप्लाई द प्रोडक्ट. समझ गए? तो एबल टू सप्लाई क्लियर हो गया, यानी आप जिस चीज़ को बेचना चाहते हैं वो आपके पास मौजूद भी हो. ये ना कहें जी मैं बेचना चाहता हूँ, पता चले है ही नहीं वो. और तीसरी बात ये कि एट अ गिवन प्राइस, मतलब एट अ गिवन प्राइस आप उसको बेच भी सकते हैं. तो ये तीन कंडीशंस हैं सप्लाई के लिए. ठीक हो गया जी. तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है. हम सप्लाई पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे सप्लाई के चैप्टर पे, क्योंकि हम डिमांड को पढ़ चुके हैं और वो बस पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हमने करना है. वो मैंने आप लोगों को जो है वो बताया है कि इसको कैसे करना है आप लोगों ने. अच्छा, अब ये है कि अब हम आगे चलें तो एक और टर्म यूज़ होती है, डैट इज़ कॉल्ड स्टॉक. ये क्या चीज़ है? तो स्टॉक जो है वो समझना है हम लोगों ने. तो स्टॉक क्या है? तो स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. मैं वैसे बोल देता हूँ, स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी पोजेस्ड बाय अ सेलर दैट कैन बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. समझ गए? यानी जो स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी है जो कि सेलर के
पोजेशन में है और वो जब चाहे जिस वक्त चाहे किसी भी कीमत पर मार्केट में सेल के लिए ला सकता है। ठीक हो गया, मैं दोबारा से डेफिनेशन बताता हूँ। द स्टॉक इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी पोजेस्ड बाय द सेलर दैट कैन बी मेड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको बेचने के लिए मार्केट में ला सकते हैं। तो ये क्या है, स्टॉक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी कि सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क है। फर्ज करें कि आपके पास 100 जो है वो पेन है, तो 100 पेन आपके पास स्टॉक है, जिसमें से आप 10 पेन जो हैं वो एट 10 रुपीज़ पर पेन जो है बेचने के लिए ऑफ़र कर देते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सप्लाई हो जाएगी। दिस इज़ सप्लाई, ये सप्लाई है। और अब आपके 100 में से 10 माइनस कर दें और अगर वो बिक भी जाते हैं तो 90 पेन आपके पास क्या रह जाएंगे, वो आपके पास स्टॉक रह जाएगा। और 10 पेन जो है वो आपने बेच दिए और 10 रुपये कीमत पे बेच दिए, वो सप्लाई बन जाते हैं। तो रिमेनिंग स्टॉक जो है वो 90 आ जाता है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये मैंने सिंपली आपको समझाया है कि सप्लाई किसे कहते हैं और स्टॉक किसे कहते हैं। अब जो है वो हम आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। ये फिर अपने जहन में रखिए कि ये फिर अपने जहन में रखिए कि ये अपने जहन में रखिए कि ये जो सप्लाई है ये इसका ताल्लुक सेलर से है। अब आप दुकानदार बन जाइए। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो ये बताता है कि क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। देखें, वैसे ही जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था और उसके साथ क्या थे, अदर फैक्टर्स थे, यानी प्राइस के अलावा भी अदर फैक्टर्स मौजूद हैं। तो उसमें हमने ये अदर फैक्टर्स क्या क्या थे, यानी क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस और अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमने, लेकिन यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स हैं वो दूसरे होंगे, सप्लाई के होंगे। तो वो क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना जी, उसके अलावा रॉ मटेरियल, ठीक है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्सेस, टैक्स है ना, इसी तरीके से प्राइसेस, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, पीई मींस एक्सपेक्टेड प्राइसेस, और उसके बाद है गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके बाद जो है वो प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, प्राइसेस ऑफ द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और उसके बाद और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये इन सब को क्या कहते हैं, ये जो हैं जिनको जिनको हम ये ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं,
इनको कहते हैं अदर फैक्टर्स, याद है ना? और इनको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग फैक्टर्स। ये दो दोनों को अदर फैक्टर्स या शिफ्टिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब पता है ना? सेट्रस पेरिबस मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, इफ इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्या होगा? आप बताएं, अगर आप जो चीज़ बेच रहे हैं, आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी कीमत, उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाए, तो आप उसको ज़्यादा बेचेंगे या कम बेचेंगे? क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? क्वांटिटी सप्लाई फॉर दैट कमोडिटी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपको फायदा है ना, आपकी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, आप सेलर हैं। अपने दिमाग में बिठाएं कि अब आप सेलर हैं, अब आप बायर नहीं हैं। तो आपकी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ेगी, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेचेंगे, है ना? इसी तरीके से इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, तो फिर क्या होगा? अगर आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो महंगी होने के बजाय सस्ती हो जाए, तो आप कोशिश करेंगे मैं ना बेचूं, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बता रहा है हमें? कि लॉ ऑफ सप्लाई बता रहा है कि क्वांटिटी जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये पॉजिटिव है। समझ आ गई? मीनिंग दैट कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सेलर ज़्यादा बेचेंगे, चीज़ों को ज़्यादा बेचेंगे। अगर उन्हें अपनी चीज़ की कीमत कम मिलती है, कम मिलती है, तो वो सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अब आप जानते हैं कि जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन सेम हो, तो वो कौन सा फंक्शन होता है? वो पॉजिटिव होता है। और ये डायरेक्शन सेम है, देखें, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ये एक कहानी ख़त्म होगी। दूसरी कहानी में क्या होता है कि कीमत कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो तो क्या होता है, उसे पॉजिटिव फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। पहला लेक्चर याद करें, उसमें मैंने ये बात समझाई हुई है आपको। और सेट्रस पेरिबस का मतलब मैं पहले बताया कि सेट्रस पेरिबस का क्या मतलब है। सेट्रस पेरिबस का मतलब ये है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो ये लिख लें या सेट्रस पेरिबस लिख लें, तो सेम ही बात, ठीक है ना जी? तो अब आप इसका खुद से ही डेटा जनरेट कर सकते हैं और सप्लाई कर्व बना सकते हैं। ये प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाई, जैसे आप कहते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही, ठीक है ना जी? और यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 400, 500। अभी आप चेक करें, कीमत 5 रुपये हो तो वो 100 चीज़ें सेल करने को ऑफर करता। सप्लाई का मतलब ये नहीं कि चीज़ बिक गई है। सप्लाई का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है। सप्लाई का मतलब ये है कि वो ऑफर कर रहा है। समझ आ रही? ऑफर्ड फॉर सेल, ये सप्लाई की डेफिनेशन पढ़े ना, तो उसमें कहता है क्वांटिटी जो है वो कमोडिटी की वो ऑफर करता है सेल करने के लिए मार्केट में किसी एक कीमत पर। तो यहाँ देखें तो आपको नज़र आएगा 5 रुपये कीमत पे वो 100 चीज़ें ऑफर कर रहा है कि मैं 5, अगर मुझे दोगे ना 5 रुपये कीमत दोगे तो मैं 100 यूनिट्स जो हैं वो ऑफर करूँगा बेचने के लिए। बिके नहीं है, अभी बिके नहीं है, सिर्फ 100 ऑफर कर रहा है। अगर 10 रुपये कीमत हो जाए
तो वो कहता है अब मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, दुकानदार कहता है मैं 200 चीज़ें बेच दूंगा और अगर 15 कर दोगे तो मैं 300 चीज़ें बेचूंगा, और अगर जो है वो आप 20 कर दोगे तो मैं 400, और 25 कर दोगे तो मैं 500 चीज़ें बेचने को तैयार हूँ। और अगर अब आप इसको वो बना लें, इसका कर्व बनाएं, तो यहाँ पर अब आप क्वांटिटी सप्लाई लिखेंगे जैसे वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखते थे, और इसको आप प्लॉट कीजिएगा खुद बैठ के घर में, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे कर्व बनेगा। इसको आप कहेंगे एस एस मीन्स सप्लाई कर्व। तो ये वैसे ही देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ, तो इस कीमत P1 पे वे पे वैसे ही समझा रहा हूँ, Q1 आप ऑफर करते हैं एज ए सेलर, और जब आपको कीमत ज़्यादा मिलती है P2 तो आप ज़्यादा ऑफर करते हैं, आप कहते हैं ठीक है अब मुझे ज़्यादा फ़ायदा है तो आप सप्लाई बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये ए पॉइंट पे देखें और बी पॉइंट पे देखें, इसी तरीके सी पॉइंट पे भी देखें, अगर कीमत बढ़कर P3 हो जाती है तो आप ऑफ़र कितना करते हैं, आप Q3 ऑफ़र करते हैं तो सप्लाई मज़ीद बढ़ जाती है, तो ये सी पॉइंट है। तो आपको ये 3 पॉइंट से नज़र आ रहा है कि प्राइस बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, और अगर हम सी से बी पर आएँ और बी से ए पर आएँ तो कीमत कम होती जा रही है और सप्लाई भी कम होती चली जा रही है, ए से बी से सी पर जाएं तो कीमत बढ़ती जा रही है और सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, इस तरह सी से बी से ए पर आएं तो कीमत कम होती जा रही है और सप्लाई भी कम होती जा रही है। तो ये दोनों बातें आपको नज़र आती हैं इस उसके अंदर, किसके अंदर, ग्राफ के अंदर। इसी तरीके से आपको इसके अंदर भी ये दोनों बातें नज़र आती हैं, कैसे भला, क्योंकि आपको अगर आप टॉप से बॉटम पढ़ें तो नज़र आएगा कि कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, ये वाली बात हो जाएगी। और अगर आप लोग बॉटम से जो टॉप पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कीमत कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें ही नज़र आ जाएंगी, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। इस तरीके से ए से बी से सी पढ़ें तो फिर आपको ये वाली बात नज़र आएगी कि कीमत बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, और अगर सी से बी से ए पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस के कम होने से सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, सप्लाई जो है ये इस वेरी सिंपल वन। अगर डिमांड समझ आ जाए तो सप्लाई को समझना कोई इतना मसला नहीं होता है। अच्छा अब आगे चलें, तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो हमने पढ़े थे कि अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, तो अदर फैक्टर्स ये मैंने अभी लिखे थे यहाँ पे, कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल है, टैक्सेस हैं, एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, ई का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे का मतलब बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स कहते हैं या शिफ्टिंग फैक्टर्स कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं कि इन ये वो हैं जो जिन जो असल में तो अजम्पशन कहते हैं। अजम्पशन याद है ना, अजम्पशन किसे कहते थे भला, अजम्पशन मीन दोज वेरिएबल्स विच वी होल्ड कांस्टेंट इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ। तो अब हमने इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ की सप्लाई को प्राइस तो अफेक्ट करती करती है, कॉस्ट भी अफेक्ट करती है ना, कॉस्ट बढ़ जाए तो सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए वो भी सप्लाई को अफेक्ट करेगा, रॉ मटेरियल की कीमतें अफेक्ट करेंगी, टैक्सेस अफेक्ट करेंगे सप्लाई को, ये सारा, तो ये मतलब सारी चीज़ें जो हैं इसको क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी इफ़ेक्ट करती है, ये सारा इसको सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ सप्लाई इस बात, ये भी मार्शल ने दिया है, लॉ ऑफ सप्लाई भी किसने दिया है, डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल, तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल यूके से इनका ताल्लुक था, और इन्होंने एक किताब लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी ऐसे जस्ट फॉर योर नॉलेज ऑब्जेक्टिव में पूछा है, क्योंकि आपका पेपर सारा ही पेपर आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, तो आपको पता हो कि मार्शल की किताब का क्या नाम है, मार्शल की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और लॉ ऑफ डिमांड भी इसी साहब ने दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने, और लॉ ऑफ सप्लाई भी इसी ने ही एक्सप्लेन किया था। अच्छा बहरहाल, अब हम अगर अजम्पशन पे आ जाएं
अजम्पशन पे आ जाएं हम लोग, तो अजम्पशन में जो है वो पहला है कि कॉस्ट, ये इस पे कॉस्ट बार आएगा, इस पे बार आएगा। बार का मतलब ये है कि ये अब वेरिएबल नहीं रहे, बल्कि ये अब क्या बन गए, ये अब कांस्टेंट हो गए। क्योंकि सेट्रस वेरिबस का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है ना। ये लाफ सप्लाई तो यहाँ से, मतलब यहाँ तक पूरा ही है, ये लाफ सप्लाई तो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन ये जो ये वाली बात लिखी है कि प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो, ये वाली बात यहाँ से यहाँ तक। तो सेट्रस पेरिबस का क्या मतलब है? सेट्रस पेरिबस का मतलब मैंने पहले भी समझाया था डिमांड के चैप्टर में, कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब इसको और क्या कहते हैं, इनको अजम्पशंस भी कहते हैं, इनको सेट्रस पेरिबस भी कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अजम्पशंस भी कहते हैं, इनको कंडीशंस भी कहते हैं। तो और भी बताए थे मैंने, तो ये है क्या? अब ये इसका मतलब ये है कि ये सारे वेरिएबल हैं, लेकिन इनको हमने कांस्टेंट कंसिडर करना है। ये देखें, ये सारे वेरिएबल हैं, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्सेस, टैक्स बदलते हैं, कॉस्ट बदलती है, सारे वेरिएबल हैं, लेकिन हमने इसको क्या फ़र्ज करना है, कांस्टेंट कंसिडर करना है। क्योंकि अगर ये चेंज होंगे तो सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लाफ सप्लाई कहता है कि हमने हमने इन वेरिएबल को देखना ही नहीं है। ये यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है, ये इसका मतलब बार है, बार का मतलब कांस्टेंट कर लिया हमने इसको, समझ आ गई? ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये बार है, बार का मतलब है कांस्टेंट कर लिया हमने इसको, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल को आप कांस्टेंट कर लेते हैं उनको अजम्पशंस कहते हैं या सेट्रस पेरिबस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लाफ सप्लाई के अजम्पशंस क्या हैं, उसमें पहला ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे अगर कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है कॉस्ट के चेंज होने से सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, और कॉस्ट कम हो गई तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्ट कर रही है ना, तो ये इफेक्ट कॉस्ट का होगा सप्लाई के ऊपर, लेकिन लाफ सप्लाई नहीं, कॉस्ट का इफेक्ट नहीं बताता लाफ सप्लाई। वो किसका इफेक्ट बताता है? वो प्राइसिस का बताता है, वो प्राइसिस का बताता है। क्लियर हो रही है ना बात? वो प्राइसिस को, प्राइसिस के बारे में बताता है आप लोगों को। अच्छा, अब ये है कि अदर फैक्टर्स को समझना है कि वो क्या क्या होंगे। कि नंबर वन यानी अजम्पशंस की अगर हम बात करें, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस क्या हैं, उसमें पहला क्या होगा कि कॉस्ट की बात हमने की थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी तो सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम हो जाएगी उसको बनाने की कॉस्ट, तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमने कॉस्ट को कहना है कि वो ना चेंज हो, डज नॉट चेंज। नंबर टू टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी डज नॉट शुड नॉट चेंज, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी शुड नॉट चेंज, यानी अगर हमने लाभ सप्लाई को प्रूव करना है तो हमने फ़र्ज़ करना है कि ना तो कॉस्ट बदलती है ना टेक्नोलॉजी बदलती है। तो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है नॉलेज, नॉलेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, या टेक्निक्स, टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना जी। तो टेक्नोलॉजी मतलब आउटडेटेड भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न भी हो सकती है,
तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से कॉस्ट चेंज होगी, और टेक्नोलॉजी चेंज होने से कॉस्ट चेंज होगी, और कॉस्ट चेंज होने से फिर दोबारा सप्लाई पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी चेंज ना हो, क्योंकि लास्ट सप्लाई के अंदर हमने मेन वेरिएबल किसको रखा हुआ है, प्राइस को, उसी चीज़ की प्राइस और उसी चीज़ की जो है वो सप्लाई की बात करते हैं हम लोग, बाकी फैक्टर्स को हम कहते हैं को चेंज ही ना हो। तो इसलिए कहते हैं कॉस्ट भी चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी भी चेंज ना हो। फिर जो तीसरी चीज़ है वो हम क्या कह रहे हैं, यानी ये कॉस्ट की मैंने बात कर दी, उसके बाद टेक्नोलॉजी की मैंने बात कर दी, उसके बाद अब प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल है। तो प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल में क्या है, फिर वही बात है, मतलब इन अदर वर्ड्स बात कर रहे हैं कि अगर उस चीज़ को रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, यानी न्यू डिस्कवरी ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है, तो प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगी, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल जिससे वो चीज़ बनती है। तो अगर अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को भी क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए अगर लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करना है, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है उस पर फर्क, मतलब अगर 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 वो बढ़ जाती तो फिर सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगी, क्यों भला, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी ना चीज़। और अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कम हो जाती है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई सस्ती, जब रॉ मटेरियल इनपुट सस्ते हो जाएंगे तो सप्लाई चीज़ की बढ़ जाएगी ना, इसका मतलब वो भी इफेक्ट करता है। फिर चौथा फैक्टर हमने क्या लिया था, चौथा फैक्टर लिया था जी टैक्सेस। तो टैक्सेस पे बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, टैक्सेस। अब अगर टैक्सेस गवर्नमेंट लगा दे तो क्या होगा, टैक्स प्रोड्यूसर पे लगेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो वो सप्लाई क्या करेगा, कम कर देगा। इसी तरीके से अगर टैक्सेस कम कर दे गवर्नमेंट सेलर पे तो सेलर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, और वो सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसका मतलब टैक्स भी सप्लाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है नेगेटिवली। फिर पांचवी बात है, पांचवी बात है एक्सपेक्टेड प्राइसेस, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, इसको मैंने पीई कहा है ऊपर। अब आप देखें प्राइस ज़्यादा है अभी और आप सप्लाई जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि मेरी चीज़ की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी, मतलब इफ़ आप एक्सपेक्ट, इफ़ सेलर एक्सपेक्ट्स मोर प्राइस इन फ्यूचर, तो अब वो क्या करेगा, अगर उसका ये है कि एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये हैं कि वो बढ़ जाएंगी, तो वो सप्लाई आज क्या करेगा, वो सप्लाई कम कर देगा। लेकिन पहले ये कर रहा था, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, ये लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक काम कर रहा था, लेकिन जो ही उसे पता चला कि कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, अब बढ़नी है अभी, तो वो क्या करता है, वो सप्लाई को कम कर देता है। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी, मतलब आप दुकानदार हैं, आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो कंप्यूटर बेचते हैं आप, और आप अभी कीमत ज़्यादा है और आप ज़्यादा बेच रहे हैं अभी भी, लेकिन आपको पता चलता है कि महीने बाद इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, तो आप अभी से अब आप क्या करेंगे, अब आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा कीमत पे नहीं बेच रहा, आपको लगेगा ये मैं कम कीमत पे बेच रहा हूँ, क्योंकि आपके जहन में ये है कि और ज़्यादा कीमत बढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसी कीमत पे सप्लाई को क्या करेंगे, इस कीमत पे आज सप्लाई को कम कर देंगे, यानी आज की कीमत पे सप्लाई को कम कर देंगे आप, क्यों भला, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि मज़ीद कीमतें बढ़ जानी है। तो आपने हालांकि आज कीमत ज़्यादा है,
पहले आप ज़्यादा बेच रहे थे, लेकिन जो ही आपको ये खबर मिली कि और कीमत बढ़ जानी है तो आपने सप्लाई कम कर दी। इस तरह पेट्रोल वाले भी करते हैं, आप देखें कहते हैं जी नहीं नहीं है पेट्रोल, क्योंकि उन्हें पता है कि मज़ीद कीमत बढ़ जानी है तो सप्लाई कम कर देते हैं। समझ आ रही है? तो एक्सपेक्टेड प्राइसिस की नतीजे में भी क्या होता है, बढ़ जाती हैं, आपकी सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी मैंने डिस्कस कर लिया, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल कर लिया, टैक्सेस कर लिया, एक्सपेक्टेड प्राइसेस कर लिया। अब गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो टैक्सेस की सूरत में पहले डिस्कस तो की है मैंने, लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये हो कि किसी चीज़ की सप्लाई पे ही वो पाबंदी लगा दे कि वो नहीं जानी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि पंजाब से बाहर जो है वो गंदम नहीं जाएगी, तो सप्लाई पे फ़र्क पड़ गया ना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो वो उस चीज़ की सप्लाई कम होगी। या अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये सिंध से जो है वो पंजाब में फलां चीज़ नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी है तो वो चीज़ की सप्लाई पंजाब में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी किसी चीज़ की सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकती है। समझ गए? अच्छा, फिर क्या है, फिर और देख लें फैक्टर, और फैक्टर क्या लिए थे, सब्स्टिट्यूट। तो आप जो चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ आप बना रहे हैं, अगर आपके सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं तो तब भी क्या होगा, आपकी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल आपकी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है और जो जो सब्स्टिट्यूट हैं उनकी कीमत में कमी आ जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब एक टी है जो ए है और एक टी जो है वो बी है, ये वाली आपकी है, ठीक है ना, ये वाली आप बेचते हैं मिस्टर एक्स। अब आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो टी बी है, यानी एक और चाय बनाने वाले हैं जो बीच बीच चाय बनाते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो कीमत में चेंज कर देता है या आप कीमत में चेंज कर देते हैं तो आपकी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ए हो, ए वाला जो बंदा है वो अगर प्राइसेस में इजाफा कर दे और जो प्राइस बी वाला है वो सेम रखे तो आपकी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? समझ रहे हैं ना? यानी आपने अपनी चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया लेकिन आपका जो कंपेटिटर है उसने प्राइसेस को कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा उसके नतीजे में? ये होगा कि आपकी चीज़ कंज्यूमर्स को सस्ती नज़र नहीं आएगी बल्कि महंगी नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले आप 10 रुपये का बेच रहे थे, ये भी 10 का बेच रहे थे, अब आपने 10 के बजाय क्या कर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 रुपये कर दिया है, तो अब हालांकि इसने कीमत चेंज नहीं की, 10 ही रखी है, लेकिन आपने जो 15 किया अब आपका महंगा नज़र आएगा, तो आपकी सप्लाई जो है एक ही जो है वो कम हो जाएगी। समझ आ रही? हालांकि इसका मतलब ये है कि जो जो सब्स्टिट्यूट की प्राइसेज हैं वो आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर रही हैं। समझ रहे? इसी तरीके से अब उलट देखें कि अगर बी जो है, जो आपका सब्स्टिट्यूट है, वो कीमतों में इजाफा कर देता है और आप जो हैं, जो ए हैं आप हैं, वो कीमत को क्या रखता है, सेम, अब भी आपकी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। क्या होगा? आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि बी ने कीमत जो है वो 10 से क्या कर दी है, 15 कर दी है, और आपने 10 ही रखी है, आपने क्या रखी है, 10 ही रखी है, तो अब आपकी चीज़ सस्ती नज़र आएगी ना, तो आपकी सप्लाई बढ़ गई, तो ये सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस भी अफेक्ट करती हैं। तो बहरहाल ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से सप्लाई चेंज हो जाती है। अब अगर हम देखें तो हमने लास्ट सप्लाई को डिस्कस किया और अदर फैक्टर्स को भी डिस्कस किया, तो उसकी लास्ट सप्लाई की ये स्टेटमेंट है आपके सामने, फिर उसका ये डेटा है जो मैंने खुद ही जनरेट कर लिया, ये फिर इसका ग्राफ है,
और ये उसके अजम्पशंस पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस, ये मैंने पहले भी समझाया था, हर लॉ की एक्सेप्शंस आएंगी। और एक्सेप्शन का मतलब क्या है? वेयर एनी लॉ डज नॉट वर्क, वेयर एनी लॉ डज नॉट वर्क, वेयर एनी लॉ फेल्स। याद है ना कि एक्सेप्शंस का मतलब ये, जहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, किसकी भला, एम्बुलेंस की, के एग्जाम्पल याद है, जिसमें मैंने ये कहा था आपसे कि वैसे जब रेड लाइट ऑन हो तो सब गाड़ियाँ रुकती हैं, ये लॉ है, ये लॉ है कि जब भी रेड लाइट ऑन होगी सारी गाड़ियाँ रुकेंगी, लेकिन लेकिन एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो रेड लाइट ऑन भी होगी तो एम्बुलेंस गुजर जाएगी, तो वो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल मीन्स कि उस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा लॉ? कि रेड लाइट पे खड़ा होना, तो वहाँ उसके लिए लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। तो एक्सेप्शंस हर लॉ की होती हैं, जिसमें पता चलता है कि लॉ जो है वो किन केसेस के अंदर फेल हो जाता है, या लॉ के उलट बात क्या होती है। जैसे अब लॉ क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगी तो आप सप्लाई भी कम देंगे, यानी ये लॉ है, ठीक है ना जी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब एक्सेप्शंस क्या होंगी? लॉ के उलट होगी, तो लॉ के उलट क्या है? लॉ का उलट ये है कि कीमत ज़्यादा हो तो सप्लाई कम हो जाए, और कीमत कम हो तो सप्लाई क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, यानी रिलेशनशिप पॉजिटिव से क्या हो जाए? नेगेटिव। तो ये जो चीज़ होगी ये एक्सेप्शनल केसेस में ही हो सकती है, क्योंकि ये ला के उलट है। ला तो पॉजिटिव बता रहा है ना, ला तो बता रहा है कि प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई जो है बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है। लेकिन जो एक्सेप्शनल है उसमें देखें प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेलर को क्या क्या कीमत ज़्यादा मिले और वो सप्लाई कम कर दे, और कीमत कम मिले और वो सप्लाई ज़्यादा कर दे? ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन का मतलब ही है कि नॉर्मल नहीं है। ला हमेशा कोई भी ला हो वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए होते हैं। तो अब ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे पहली मैं आपको एक्सेप्शन इसमें बताऊं कि नीड फॉर कैश। अगर एक सेलर को कैश की ज़रूरत है, फर्ज करें कोई इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल में उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अगर उसको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो कम कीमत पे भी चीज़ें बेच देगा क्या? नहीं बेचेगा, बेचेगा। उसको पैसों की ज़रूरत तो क्या करे वो, फिर इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई को कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है कि कम कीमत पे आप कम बेचें, कम बेचें, क्योंकि लॉस है ना आपको, और ज़्यादा कीमत पे आप ज़्यादा बेचें, ये आपके सामने ज़्यादा बेचें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि हम कम कीमत पर ज़्यादा बेच रहे हैं। ऐसा कोई दुकानदार है जो कम कीमत पर ज़्यादा बेचेगा? लेकिन ऐसा हो सकता है जब उसको कैश की ज़रूरत हो, जब उसको इमरजेंसी हो, तो फिर वो लॉ ऑफ सप्लाई पे अमल नहीं करेगा। नंबर टू लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट क्या होगा कि जब लॉ की वायलेशन हो रही है, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन में क्या हो रहा है? माइग्रेशन में माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, हिजरत करना। तो अब आप देखें, जो इंडिया से लोग पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने क्या लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक करके आए थे कि ज़्यादा कीमत मिलेगी तो बेच के जाएंगे और काम में तो नहीं जाएंगे? नहीं, उन्होंने कम कीमत पर ही बेच दिया था,
अपना जो भी था उनके पास। तो जब आप माइग्रेट करते हैं तो फिर इस चीज़ की नहीं केयर करते कि वो चीज़ कम कीमत पे बिक रही है या ज़्यादा पे, बेच देते हैं बस लोग, ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने मूव करना होता है उस दूसरी को। और नंबर 3, नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स, डिजास्टर कहते हैं आफात को, नेचुरल कुदरती। तो कुदरती कोई आफत आ जाए, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा? लाभ सप्लाई पे अमल होगा। मतलब सैलाब आ गया, वो कराची डूब गया सारा, तो कराची में जो सब्जी वाला बैठा होगा, वो तो जब पता चल रहा होगा बारिश ज्यादा हो रही है तो वो क्या कर रहा होगा, वो कम कीमत पे भी बेच के चला गया होगा, समझ रहे हैं ना? वो हालांकि नॉर्मल कंडीशन होती, क्योंकि लाभ सप्लाई तो नॉर्मल कंडीशंस के लिए है ना। कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉ है वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए है कि आम हालात में लोग क्या करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस जो हैं ये अब नॉर्मल केसेस हैं, अब नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये ज़रा ज़हन में रखें, ये हर लॉ की हैं चीज़ें। तो नेचुरल जब डिज़ास्टर आता है, कुदरती आफात आती हैं, अर्थक्वेक या फ्लड या कोई भी आता है, तो फिर लोग कम कीमत पे बेच देते हैं ज़्यादा चीज़ें, फिर वो लाभ सप्लाई पे अमल नहीं करते हैं। तो ये यहाँ तक बातें समझ आ गई कि लाभ सप्लाई हमें समझ आ गया। तो अब अगली चीज़ समझते हैं, अगला टॉपिक्स करते हैं, वो क्या है? वो है वो जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, याद है ना? जैसे वहाँ पढ़ा था चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये टॉपिक है, याद है ना आप लोगों? जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस, अगर हम ये कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, अब हम ये दिस इज जनरल डिमांड फंक्शन, तो हम लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस और जो अदर फैक्टर्स अभी लिखे भी थे मैंने, क्या भला कि कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट टेक्नोलॉजी प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे वेरिएबल मैंने आप लोगों को बताए थे। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे अदर फैक्टर्स हैं, ये सारे जिनको हमने सर्कल किया है, ये सारे क्या हैं? अदर फैक्टर्स हैं, ये अदर फैक्टर्स हैं। अब ये देखें कि अगर अगर हम ये दिस इज कॉल्ड, ये दोनों एक ही चीज़ है, इन इनको हम कहते हैं जनरल 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 सप्लाई फंक्शन। जनरल में वो होता है जिसमें सारे ही आ जाएं, कीमत भी आ जाए, सारे ही आ जाएं, सारे सारे फैक्टर्स। तो अगर आपको ये सवाल आता है व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमिन द सप्लाई, तो आपने पी से लेके सारे लिखने हैं। इसी तरह डिमांड में भी फैक्टर्स तो सारे ही हैं, लेकिन कहीं अदर फैक्टर्स, तो फिर आप कॉस्ट से शुरू करेंगे, अदर फैक्टर्स पी को छोड़ के है, ठीक है ना जी? तो अब हम ये जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक हिस्सा ये वाला, ठीक है ना जी, कि क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड दिस शोज दी इम्पैक्ट ऑफ
प्राइस ऑन क्वांटिटी सप्लाई। तो वो क्या है? वो ये है कि प्राइसेस के बढ़ने से लाभ सप्लाई का कहता है, सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। ये लाभ सप्लाई है, पहले पढ़ाए हैं आप तो। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं करना आपने, लेकिन चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क नहीं करना, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में करना है। तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ये वाली चीज़ है, समझ रहे हैं ना, जिसमें आप इम्पैक्ट किसका देखते हैं, प्राइस का। आप प्राइस का इफेक्ट किस पे देखते हैं? प्राइस का इफेक्ट जो है वो आप सप्लाई पे देखते हैं, ठीक है ना जी। तो ये क्या बन जाता है, ये आपके पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बन जाता है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इम्पैक्ट जो होगा वो प्राइस का सप्लाई पे देखेंगे तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, या उसको कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ये भी आप लोग पहले पढ़ के आए हुए हैं, इसको लॉ ऑफ सप्लाई भी कहेंगे। और भी याद करें, और क्या कहते थे इसे, कहते थे एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन सप्लाई, सॉरी एक्सपेंशन इन, आई एम सॉरी दोबारा से, ये एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, कोई इश्यू है। हाँ सॉरी, हाँ तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, तो थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा बारह, आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है या नहीं, एक सेकंड ये भी देखो। आवाज़ आ रही है, अच्छा जी ठीक है गुड। अब नेक्स्ट मैं बता रहा था कि चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन सप्लाई, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अच्छा जब हम ये बातें कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, अगर हम कहें अदर फैक्टर्स, सिर्फ अदर फैक्टर्स, तो ये है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई, इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई, यानी इसके अंदर हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं। और अगर आप अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं तो इसे हम कहते हैं चेंज इन
स्प्लाई, चेंज इन स्प्लाई कहते हैं उसे। मेरी बात समझ आ गई? तो जब हम प्राइस का इफेक्ट देखते हैं सप्लाई पे, तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और जब हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं तो उसे चेंज इन सप्लाई कहते हैं। ये अपने दिमाग में बिठाएं। अच्छा, अब इसको मजीद समझते हैं कैसे भला, कि अगर अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स अगर सप्लाई जो है वो बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, और अगर ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ये ज़रा देखें। तो इसको हम कहेंगे राइज इन सप्लाई, ठीक है, और इसको हम कहेंगे फॉल इन सप्लाई। अब आपको समझ आ रही, ये जो सप्लाई का बढ़ना है ये इसके पीछे कीमत है, ठीक है ना जी, इसको एक्सपेंशन कहेंगे या एक्सटेंशन या एक्सपेंशन जो भी कहना। लेकिन ये जो सप्लाई का बढ़ना है इसके पीछे प्राइस नहीं है, इसके पीछे अदर फैक्टर्स हैं, तो इसको राइस कहेंगे। यानी अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी अदर फैक्टर्स मींस कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड मटेरियल, टैक्सेस वगैरह, इनकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाए तो इसे राइस कहेंगे। और अगर इधर देखें, अगर अगर सप्लाई कम हो रही है और उसके पीछे प्राइस फैक्टर है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सप्लाई कम हो रही है और वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, तो इसे फॉल कहते हैं। ये जरा ज़हन में रख लें, ठीक है ना। ये पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये सेम है। तो ये आप लोगों, ये आपने वहाँ से पहले एक दफ़ा दोबारा डिमांड का देखेंगे ना, तो ये आपको समझ आ जाएगी सारी स्टोरी, वही चीज़ है। मैंने वहाँ टेबल बना के भी समझाया था आपको, तो अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो वहाँ से भी मज़ीद आप टेबल से भी ज़रा देख लीजिएगा, जहाँ हमने चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड पढ़ा था, तो मैंने इस तरह से आप लोगों को टेबल से भी समझाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, प्राइस और अदर फैक्टर्स, है ना, तो प्राइस की वजह से हो तो हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसे कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहले कराया हुआ है, चेंज इन सप्लाई कहते हैं इसको। तो इसे हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेंज इन सप्लाई। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इसे कहते हैं राइज एंड फॉल इन सप्लाई। ये मैं समझाया हुआ है इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसे कहते हैं शिफ्टिंग
ऑफ सप्लाई कर्व, ये सारे नाम यूज़ हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये अब मैंने लिख दिए यहाँ पे, इसको लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है ना जी। और इसमें क्या होता है, इसमें अजम्पशंस जो होते हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, वो रिलैक्स कर दिए जाते हैं, रिलैक्स्ड यानी ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो ये आपका बातें, इसको फिर एक दफ़ा हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं इसको, फिर एक दफ़ा हम एक ग्राफ के ज़रिए भी समझ लेते हैं, तो ज़रा देखते हैं उसमें कैसे होता है। देखें, ये फ़र्ज़ करें, ये फ़र्ज़ करें ये प्राइस है, ये सप्लाई है, और ये सप्लाई कर्व है। एक और बना लेते हैं ग्राफ, और यहाँ पर भी देखें, ये प्राइस और ये सप्लाई, और ये क्या है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है ना जी। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हैं हम, और इस जगह पे फ़र्ज़ करते हैं कीमत 5 रुपये है, और आप 1 यूनिट बेच रहे हैं ए पॉइंट पे, और फ़र्ज़ करते हैं कि कीमत यहाँ पे आ जाती है और ये 10 रुपये हो जाती है, और आप 2 यूनिट बेचते हैं। ये समझ आ रही बात, ए से बी पॉइंट पर। तो ए से बी जब आप जाते हैं तो कीमत बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है, इस बढ़ने को एक से दो को क्या कहेंगे। ए टू बी जो है ये है एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई, क्योंकि ये कीमत की वजह से। और इसी तरीके से जब आप इसी कर्व पर बी टू ए जाते हैं, तो बी पर कीमत 10 है और ए पर कीमत 5 है, बी पर सप्लाई 2 है और ए पर सप्लाई 1 है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ कि कीमत क्या हुई, कम हो गई, और सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये है सप्लाई के हवाले से, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है ना। आप इधर देखें, इस ग्राफ पे देखें, फर्ज करें कि इस पॉइंट पर कीमत क्या है, 5 रुपये है, और आप 1 यूनिट बेच रहे थे, बेचना है ना यहाँ पे, और फर्ज करें कि इसी कीमत पर सप्लाई जो है वो ये हो जाती है, ये नया सप्लाई कर बनेगा, शिफ्टिंग होगा, एस 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 टू एस टू, और इसी कीमत पे आप यानी ए से बी पर आ जाते हैं, और ये जो आप अब देखें, अब कीमत ए पर भी, ए पॉइंट पर भी कीमत जो है वो 5 है, और बी पॉइंट पर भी कीमत 5 ही है, लेकिन आप पहले 5 रुपये पर 1 यूनिट बेचते थे, अब आप 5 पे 2 बेच रहे हैं, तो क्यों बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर मींस कि हो सकता है कोई कॉस्ट कम हो गई हो, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया हो, या इनमें से कोई फैक्टर होगा, एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा है, लेकिन इनमें से ही है, क्योंकि कीमत तो वही है, और फिर आप क्यों ज़्यादा बेच रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसमें देखें, इसमें ए से बी पर जब आप जाएंगे ना, तो इसे हम ए से बी पर जाएंगे, तो यहाँ भी सप्लाई 1 से 2 हुई है, यहाँ भी सप्लाई 1 से 2 हुई है, लेकिन इस 1 से 2 को एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है ना जी।
ये इजाफा और इस इजाफे में फ़र्क है। इसी तरीके से अगर आप बी से ए की तरफ चले जाते हैं तो बी पर कीमत कितनी है 5, ए पर भी कीमत कितनी है 5, लेकिन सप्लाई क्यों कम हो गई, कीमत तो तब्दील नहीं हुई है। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे आप, इसे इस कमी को क्या कहेंगे, फॉल इन सप्लाई। इसका मतलब जब भी राइज एंड फॉल होगा तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा और उसमें सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। यही मैंने लिखा है कि राइज एंड फॉल के अंदर सप्लाई कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, समझ रहे हैं। और इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहेंगे चेंज इन सप्लाई। लेकिन जब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये देखें, तो कर्व शिफ्ट नहीं करता, यू आर मूविंग अलॉन्ग दिस कर्व। तो इसलिए यहाँ पे लिखा था मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, क्योंकि ये ए से बी एक ही कर्व पर मूवमेंट है और एक ही कर्व पे मूवमेंट कीमत की वजह से होगी। लेकिन ये सप्लाई कर्व यानी यहाँ एस वन से एस टू पर जो गया है इसको राइज कहेंगे। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को, राइज एंड फॉल और एक्सटेंशन। अच्छा, अगर बी से ए पर आए तो ये फॉल है, ए से बी पर जाएं तो राइज है। तो ये इसको इसको हम ये कहेंगे। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम 10 कह लें, इसको 20 कह लें, ठीक है ना, ये 10 कह लें, इसको 20 कह लें, तो कोई मसला नहीं। यानी ये भी मुमकिन है कि सप्लाई इस तरफ आ जाए, ये भी मुमकिन। अब इस ये इस पॉइंट पे देखें तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर 5 हो जाता है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये ए से कंपेरिजन अगर सी का करें तो तीनों से देख लें, ए बी और सी तीनों पर कीमत 5 ही है, लेकिन सप्लाई यहाँ जो सॉलिड लाइन है तो सॉलिड लाइन में देखें, और ये दोनों डॉटेड लाइन है, ये शिफ्टेड कर्व है। जो सॉलिड लाइन होगी वो ओरिजिनल होगी, जो डॉटेड लाइन होगी वो शिफ्टेड कर्व होंगे। तो ए से बी राइज, ए से सी फॉल, समझ आई, ए से बी राइज और ए से सी फॉल, या ए से बी राइज और बी से ए फॉल, जैसे मर्जी कह लें। जैसे मैंने अभी समझाया, ये पहले मैंने ए और बी का कंपेरिजन किया था, अब मैं कह रहा हूँ ए से बी कर लें फिर ए से सी कर लें, फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ए से सी जो होगा वो फॉल हो जाएगा, ए से बी जो होगा वो राइज हो जाएगा, क्योंकि ए से बी पे जाएं तो बढ़ रही है, ए से सी पर जाएं तो कम हो रही है सप्लाई। तो अब क्लियर होगी चीज़ें आप लोगों को, ये है चेंज इन राइस वर्सेस चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब आगे चलें तो नेक्स्ट बात जो समझनी है वो मैं बताता हूँ आपको, वो है चेंज इन सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के बाद कि आपसे जनरली पूछ लिया जाए व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस दी सप्लाई। तो आप सारे बता सकते हैं, प्राइस से लेकर जनरल सप्लाई फंक्शन यानी बता देना है कि ये फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपसे कहें शिफ्टिंग फैक्टर्स, तो आपने प्राइस को छोड़कर बाकी तमाम बताने होते हैं, प्राइस को छोड़ देना है, बाकी तमाम बताने होते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करना चाह रहा हूँ वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे डिस्कशन करेंगे तो वो कर लेते हैं, लेकिन एक दो चीज़ें और चले समझा दूँ। इलास्टिसिटी पे कल बात कर लेंगे, मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ जो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स। ये चूँकि टाइम अभी 10-15 मिनट पड़े हैं तो मैं टाइम पीरियड समझाता हूँ आपको क्या होता है। तो टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स, तो एक इकोनॉमिक्स में तीन तरह के टाइम पीरियड हैं, ये हमारे आगे सवाल भी आना है तो अभी से उसकी बेस बना रहा हूँ। तो एक छोटा सा टॉपिक है, तो एक को हम कहते हैं मोमेंट्री यानी मोमेंट्री टाइम पीरियड, या उसको हम कहते हैं डेली जो है मार्केट। तो मोमेंट्री नंबर वन क्या है,
मोमेंट्री, फिर दूसरा क्या है शॉर्ट रन, और तीसरा क्या है लॉन्ग रन। तो जो मोमेंट्री है वो क्या है, मोमेंट्री जो है वो है जिसमें हम वन डे की बात करते हैं, यानी मोमेंट्री में हम क्या लेते हैं वन डे। वन डे मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे, डेली जिसे कहते हैं, डेली डेली, समझ आ गई, ये एक टाइम पीरियड है। दूसरा, इस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए इकोनॉमिक्स में कोई नो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड, कोई एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं है कि 6 माह, 6 साल, 10 साल, 50 साल, नहीं, ऐसा नहीं है, समझ आ गई। तो फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये चीज समझने वाली है। जैसे शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो है वो कहते हैं कि, अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसमें कहते हैं कि 1 साल से कम शॉर्ट रन है और 1 साल से ज़्यादा जो है वो लॉन्ग रन है, तो वो कैलेंडर पीरियड एग्जैक्ट किया हुआ है उन्होंने। इकोनॉमिक्स में ये बात लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। मैंने इसलिए कहा था कि इकोनॉमिक्स की बातें इकोनॉमिक्स के लेक्चर में करनी है, अकाउंटिंग की बातें अकाउंटिंग के लेक्चर में करनी है। हो सकता है बहुत सारी टर्म्स एक जैसी आ जाएँ, तो जो इकोनॉमिक्स वाले कहें वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में या इकोनॉमिक्स के पेपर में वो लिखना है, जो अकाउंटिंग वाले कहें उनकी बातें अकाउंटिंग के पेपर में लिखनी है। इधर उधर लिखने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में कोई एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं है, इकोनॉमिक्स में कोई एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं है, तो ठीक है ना जी। अब फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो है वो डिटर्मिनेशन की, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की दो दो डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेंगी। तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट रन की डेफिनेशन, इसको SR कहते हैं, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ये शॉर्ट रन की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से शॉर्ट रन की ये पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन मैं अभी नहीं कर रहा। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन क्या है, तो लॉन्ग रन की डेफिनेशन ये है, लॉन्ग रन is a time period in which all factors of production are variable। तो इसमें जो सबसे important चीज़ है वो क्या है, वो है all, ऑल को समझें, ऑल ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे सारे है कितने। पहला सवाल ये कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है, ये भी समझना है, और ऑल चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो चारों अगर वेरिएबल हों तो लॉन्ग रन, और अगर कुछ कुछ जो है वो
कुछ जो है वो फिक्स हो और कुछ वेरिएबल हो, तो फिर शॉर्ट रन। ये देखें, व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, सम और सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी जिसमें कुछ फिक्स हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ वेरिएबल हो, तो वो शॉर्ट रन होता है। और अगर सारी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, वेरिएबल हो, तो फिर वो लॉन्ग रन होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने कोई एग्जैक्ट एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं बताया कि 10 साल, 5 साल, 50 साल, नहीं, 1 साल, 2 साल, नहीं। ये हमने देखना है कि प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो फिक्स हैं और कुछ अगर वेरिएबल हैं तो वो फिर शॉर्ट रन, अगर सारे वेरिएबल हैं तो लॉन्ग रन। ठीक है ना? तो ये पहली डेफिनेशन इसकी करा दी मैंने आपको। अब मैं दूसरी डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा, इधर भी नहीं बता रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये दूसरी डेफिनेशन बाद में बताएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही 2-4 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये क्या होता है, अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP, ये इसमें यूज हुआ था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इधर भी शॉर्ट रन में भी बताया था, शॉर्ट रन में भी बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? जाहिर सी बात, नाम से पता चल रहा है कि प्रोड्यूस करनी है कोई गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फैक्टर चाहिए वो क्या हैं? वो चार हैं, दो, तीन और ये चार, चार फैक्टर्स। एक को हम कहते हैं लैंड, एक को हम कहते हैं लेबर, एक को हम कहते हैं कैपिटल, एक को हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो ये चार फैक्ट, इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन पे डिस्कशन हम इंशाल्लाह ताला कल, नेक्स्ट वीक अब मेरा कल क्लास होगी, तो इन पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर का मतलब है, लेबर का ताल्लुक है ह्यूमन रिसोर्सेस, कैपिटल का ताल्लुक है मैन मेड रिसोर्सेस, और एंटरप्राइज का ताल्लुक किससे है? ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये मज़ीद डिस्कशन इस पर करेंगे कि ये क्या है, लेकिन शॉर्ट रन लॉन्ग रन को समझने के लिए आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया जी, तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। तो आपके क्वेश्चंस देखते हैं, अब क्या क्या क्वेश्चन है, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस देख लूँ मैं आपके। जी क्वेश्चन में देख लूँ जी, इसमें जो क्वेश्चन हैं,
जी इसमें है हमजा वहीद, डेफिनेट फिक्स फैक्टर, ये पता नहीं क्या लिखा है आपने। अच्छा जी सलाम सर, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा हो गया, सीआर का नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो उसमें आप उससे लदा से भी बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं जो लोग नहीं अब उसमें आ रहे हैं। सर पीडीएफ बुक हो गई है तो बस अभी उसका ना सेंड करनी है। अच्छा समी कह रहा है कि सेंड करनी है, तो समी थैंक यू वेरी मच, तो वो अभी समी साहब करते हैं तो मैं भेजता हूँ। समी का सब शुक्रिया भी अदा करें, उसने इतनी एफर्ट की है और उसको पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, उसको कन्वर्ट किया पीडीएफ के अंदर। जुनेद रशीद कह रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जनाब, क्वेश्चन तो है नहीं कोई, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इट्स माय फर्स्ट क्लास। सर आवाज़ कट रही है। अच्छा जी, एक्चुअली आई डिडेंट गॉट अ मैसेज ऑफ क्लासेस इन फ्यू डेज बिफोर आई इंस्टीट्यूट इन क्लासेस आई स्टार्टेड। ओके जी, दोबारा समझा दें प्लीज़। क्या दोबारा समझा दें, साथ लिखा नहीं ना, क्या समझा दें। देयर शुडंट बी एनी चेंज इन द इनकम ऑफ इन लॉ ऑफ सप्लाई। चेंज इन इनकम नहीं भाई, वो इनकम लॉ ऑफ डिमांड में आता है। उधर के फैक्टर्स को इधर इधर जो है ना डिस्कस ना करें। डिमांड की स्टोरी डिमांड में, सप्लाई की स्टोरी सप्लाई में। डिमांड के फैक्टर्स लैदा हैं, सप्लाई के फैक्टर्स लैदा हैं। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ प्रॉब्लम है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ प्रॉब्लम है। अच्छा जी सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जी बिल्कुल इब्राहिम, आप ठीक कह रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये मैंने भी बता भी दिए हैं, होते हैं। सर प्लीज़ रिपीट द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट रन। ये नेक्स्ट वीक करेंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, सप्लाई कर्व स्लोप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। जी बिल्कुल आयशा, सप्लाई कर्व वाकई सही लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, पॉजिटिवली स्लोप कहते हैं उसको। ठीक कह रही हैं आप। सर स्टार्ट से देखा है, स्क्रीन शॉट लेने होंगे। अच्छा जी, कैन क्वान्टिटी सप्लाई चेंज अकॉर्डिंग टू पोजिशन टू। भाई मैं फिर बता रहा हूँ कि डिमांड के हवाले से सप्लाई को ना देखें, सिर्फ सेलर का बिहेवियर देखना है इसके अंदर। जब मार्केट में जाएंगे ना, एक अगला चैप्टर मार्केट, फिर दोनों का देखेंगे। अभी आप डिमांड को सप्लाई के साथ मिक्स ना करें। जब मैंने डिमांड का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने सप्लाई की कोई बात नहीं की थी। अब मैं सप्लाई का पढ़ा रहा हूँ, मैं डिमांड की कोई बात नहीं करूँगा। थैंक्स यू समी भाई। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी सर जी, अपनी बुक में से सप्लाई का चैप्टर भेज दें ताकि छुट्टियों में पढ़ लें। हाँ उसमें से मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, मैं अभी सीआर को भेज देता हूँ, अभी नहीं शाम को भेजूंगा। अभी मैं थोड़ा, अभी मैंने जाना है तो मैं शाम को इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा सर। चलिए सर, सप्लाई की भी काइंडली नोट्स भेज दें। हाँ वो भेज देता हूँ मैं, वो है मेरी बुक में सप्लाई के भी, वो भेज देता हूँ। लेकिन आपने सीमा की किताब से लाजमी पढ़ना है, आपने सीमा वाली बुक से ही पढ़ना है। वो मेरे वाले नोट्स भी पढ़ लें, लेकिन सीमा की बुक से ही पढ़ना है, ये अपने दिमाग में बिठाएं। पेपर आपका उसी में से बनना है। ठीक है, तो ठीक हो गया फिर इसको। और कोई बात है तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समी भाई। हाँ जी समी भाई का शुक्रिया लाजमी अदा करें, समी भाई ने बड़ा काम किया है। तो वो किताब उन्होंने पीडीएफ में कन्वर्ट करवाई, अभी वो भेज देते हैं तो मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सर बुक कब सेंड करेंगे, एडिशन 2011-12 से मैं बुक। हाँ जी 11 का भी ठीक है, 12 का भी ठीक है। वो अभी समी जो है वो भेजता है तो मैं आपको भेजता हूँ। रेगुलर क्लासेस 15 सितंबर से होंगी या नहीं होंगी, मुझे नहीं पता भाई, होगी या नहीं होगी ये तो आपका इंस्टीट्यूट ही बताएगा। मुझे तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ाएं इनको, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये जो क्लरिकल बातें हैं ये आप उनसे पूछें जाके कि ये होंगी नहीं होंगी, क्या होगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मारिया, टीचिंग मेथड इज़ गुड। थैंक यू वेरी मच मारिया सगीर, आप लोगों को समझ आ गए, बस अल्लाह का शुक्र है। और ग्रुप में ऐड कर दें। ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता, ग्रुप में बंदे पूरे हो चुके हैं, वो व्हाट्सएप की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो आप सीआर साहब, मैं तल्हा तरह अपना नंबर शेयर कर दो दोबारा से, तो बाकी लोगों को पता भी है बारह, तो उस तलाक से आप प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं मैसेज करके उसको चीज़ें। तो ग्रुप में वैसे कोई ख़ास चीज़ चलती भी नहीं है,
अगर कोई नोट्स वगैरह चीज़ होगी तो जो दूसरे ग्रुप में है वो वहाँ पे शेयर कर देंगे। बल्कि समी तुम अपना तल्ला तुम एक ग्रुप और बना लो, उसमें भी अगर कोई चीज़ आती है तो शेयर कर दिया करो। बाकी तो कोई इतना है नहीं, यहाँ पे ही हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और एक ग्रुप और भी बना लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज़ होगी। और कोई चीज़ मुझे ग्रुप का एडमिन का नंबर भेज दें प्लीज़। अच्छा जी, उसका नंबर जो है वो मैं आपको अभी भेज देता हूँ। उसका नंबर आप नोट कर लें, मैं बोल देता हूँ आपको। उसका नंबर है, नंबर तलहा नाम है, और तलहा का नंबर मैं आपको एक मिनट देख के बताता हूँ। तलहा का नंबर लिख लें, 0333-587-5389। आप जो भी इश्यूज़ हैं उनसे डिस्कस करें, जो मतलब एजुकेशन, ये मेरे लेक्चर के अलावा जो भी, वो मुझे ना डिस्कस करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लासें चलेंगी नहीं चलेंगी, वो अपने इंस्टीट्यूट से पता करें, हमें नहीं पता। हम तो खुद आपकी तरह हैं, हम तो आप हमें भी नहीं पता क्या होगा, हम तो सिर्फ क्लास पढ़ा रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है? तो फिर इसको फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? कोई और क्वेश्चन तो आपका भी आ नहीं रहा कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो ये तलहा ने अपना नंबर शेयर कर दिया, तो तलहा का नंबर आ चुका है, ये आप लोग इसमें कर सकते हैं। सर अब ये उस्मान तुम बताओ ना, तुमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, क्या कहते हो? ऐसे सवाल लिखोगे तो पता चलेगा ना। उस्मान गनी से मैं कह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? आपने सर लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो क्या मतलब है इसका? सवाल क्या है, सवाल बताए ना। तो तलहा ने ऊपर नंबर तो लिख दिया, उससे आप डिस्कशन कर लें अगर कोई मसला है तो। सवाल है तो वो करें, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी मुझे, ठीक है? सर मैंने सवाल लिखा है ऊपर जी, बता दें आप, दोबारा से बता दें क्या सवाल है, सवाल बताएं क्या है। सवाल बता देना क्या है। जिस तरह डिमांड, सॉरी ये सवाल आ गया, जिस तरह डिमांड के बनाए हैं आपने, क्या सर आप अपने काइंड नोट्स बना दें? अच्छा मैं वो भेज देता हूँ, वो मैं अपनी बुक में से आपको सप्लाई की जो चीज़ें हैं वो सेंड कर देता हूँ। लेकिन मैंने फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि वो बुक मेरी से ना पढ़ें, वो तो अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको पढ़ें, बाकी सीमा की बुक से पढ़ना है। समी वो भेज रहा है किताब, मैं भेज देता हूँ, अपने नोट्स भी भेज देता हूँ, ठीक है? और तो कोई इशू नहीं, ठीक है? चलें जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।